कंगना पर हुए हमले तक खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन को पंजाब के लिए नहीं समझा जा रहा है शुभ संकेत। CISF कांस्टेबल द्वारा ऑन ड्यूटी हमला किए जाने को दिवंगत PM इंदिरा गांधी के हत्याकांड से भी जोड़कर देख रहे हैं कई सोशल मीडिया यूजर। मंडी लोकसभा क्षेत्र के लोगों द्वारा सम्मानजनक मतों से जिताई गई पद्मश्री कंगना को लगातार ट्रोल कर रहे हैं कुछ खालिस्तानी व किसान आंदोलन का समर्थन करने वाले लोग। कंगना पर पैरा मिलिट्री फोर्स की महिला के अटैक के दौरान ही ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को लेकर हुए प्रदर्शन। कंगना के खिलाफ पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने वाले PWD मिनिस्टर विक्रमादित्य ने भी की थी महिला सांसद पर हमले की निंदा। हमले की निंदा करने की बजाय कंगना को दोषी ठहराने की कोशिश करने लगे राकेश टिकैत व सरवण सिंह जैसे कुछ किसान आंदोलनकारी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हिमाचल विधानसभा परिसर पर भी हुई थी खालिस्तानी समर्थक वॉल राइटिंग। हमलावर कुलविंदर कौर के समर्थन में उतरे एक सरदार ने तो कर दिया उन्हें विधायक बनाने का दावा। डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के इलेक्शन जीतने को भी समझा जा रहा है खालिस्तान मूवमेंट की सक्रियता। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी जो सुरक्षा कर्मचारी थी CISF की, उन्होंने मेरे पास उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ बट माय कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है हाउ डू वी हैंडल दैट। बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो इनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूँ कि और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनकी ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर जो प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दोराय नहीं है। कंगना तेनू जे MP बनाया पहाड़ियां ने साडे पंजाब दी जिमनी चोण आउंदी आ, असीं बीबी कुलविंदर कौर नूं MLA बनावांगे। MLA जिहड़े लोक ने इस शेर बच्ची नूं विधान सभा दे विच भेजणगे तेरे बराबर दी कर देंगे। पूरी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत सी बयानबाजी करती रहे, जैसे बड़ी उम्र की जो हमारी माएं बहने हैं उनके बारे में बहुत उन्होंने गलत छलत बोला था, तो मुझे लगता हमारी बहन को ये उचित नहीं लगा होगा, उस भावना में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। और आप देखें राजनीति में बहुत बार हमने सुना है पी चिदम्बरम जी, उनके ऊपर भी एक बार जूता फेंका गया था। आप केजरीवाल जी को सुन ले, स्याही फेंकी गई, थप्पड़ मारा गया, तो ऐसी घटनाएं पहले भी आती हुई हैं। लोग अपने गुस्से का रिएक्ट करते रहे हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। इसके बारे में दोनों फोरम विचार करेंगे, सोचेंगे इसके बारे में क्या स्टेप लेना है, लेकिन ये इत्तफाकन घटना है, कोई इस तरह की सोची समझी बात नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट कंगना रावत के साथ में थप्पड़ ऊपर कुछ नहीं मारा, वो बहस हुई जब किसान आंदोलन चल रहा, उसने ये बयान दिए कि जो किसान बैठे जो महिलाएं आती हैं 100-100 रुपया लेकर आंदोलन में बैठती हैं, उससे आहत थी वो लड़की, जितना उससे गलती हुई वो धारा लगा दो उसमें, लेकिन उसे सस्पेंड करना, नौकरी से बर्खास्त करना, उसकी मॉनिटरिंग करो, जांच करो कि हादसे क्यों हो रहे हैं, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं, कोई धारा उसको लगती होगी लगा लियो, बेल हो जाएगी उसकी। मोदी मर जा तू, मोदी मर जा तू, खालिस्तान के खिलाफ एक गृह मंत्री का भुगतना जायज है जिहड़ा नुमाइंदा चुनिया होया देश का, और वह किसी पोलीटिकल पार्टी का नहीं कला बन के विचर सकता। और उत्थे मैं गल कही भी इस तरीके की प्रैक्टिस इंदिरा गांधी ने की है और उसका नतीजा की निकलिया। प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला, यहां तक तो बात आती जाती थी, सरकार जीते हारे, लेकिन अगर कोई देश की बात थी और मुझसे अचानक किसी इंटरव्यू में एक वाक्य निकला
तो उसमें इतनी परेशानी क्यों, वो आए ना, वो बात करें यहाँ पर आकर। तो उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ भाई, आपको तो किसी ने टेररिस्ट नहीं कहा, पर हाँ आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था, और मैंने एक दिन नंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग। मंडी की लोकसभा सांसद एवं पद्मश्री पुरस्कार विजेता कंगना रनौत पर दो दिन पहले CISF कांस्टेबल द्वारा किए गए हमले व पंजाब में खालिस्तान के समर्थन में प्रोटेस्ट को सोशल मीडिया यूजर देश व पंजाब के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। देशद्रोह व UAPA की धाराओं में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह के इलेक्शन जीतने से भी उनके समर्थक उत्साहित है और उन्हें जेल से छोड़ने की मांग को लेकर भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दो दिन पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर पंजाब में हुए प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए प्रोटेस्ट के दौरान जमकर अलगाव आदि नारे लगे और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। कंगना रनौत पर अटैक करने वाली पैरामिलिट्री फोर्स की कांस्टेबल कुलबिंदर कौर के समर्थन में न केवल अलगाववादी उतरे हैं बल्कि दिल्ली को बंधक बनाने वाले किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुछ लोग भी आरोपी कांस्टेबल की बजाय सांसद कंगना रनौत पर सवाल खड़े कर रहे हैं और एक ने तो उनके डॉप टेस्ट की भी मांग कर दी। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे राकेश टिकेत व सरवण सिंह पंडेर के बयानों के बाद आज उनके समर्थक भी सोशल मीडिया पर कंगना को ट्रोल करने लगे हैं। कंगना ने आज उन पर हमला करने अथवा थप्पड़ मारने वाली सुरक्षा कर्मी को बचाने की कोशिश करने वाले लोगों को जवाब देते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि हर अपराधी किसी न किसी वजह से अथवा गुस्से में वारदात को अंजाम देता है, इसलिए उन्हें ट्रोल करने वालों को ये भी सोच लेना चाहिए। गौरतलब है कि देशद्रोह अथवा UAPA की धाराओं में गत वर्ष असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी अमृतपाल के खडूर से MP बनने के बाद उनके समर्थक उन्हें जेल से छोड़ने के लिए भी प्रदर्शन कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बार बार संविधान खतरे में होने की बात कहने वाले बड़े बड़े नेता ना तो खालिस्तानी अमृतपाल के जीतने से कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में मान रहे हैं और ना ही पैरामिलिट्री फोर्स की महिला द्वारा सांसद को थप्पड़ जड़े जाने को। एक तरफ जहां कुछ लोग आरोपी CISF कांस्टेबल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कंगना को जिताने वाले उनके हजारों समर्थक व फैंस इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। कंगना के समर्थक पैरामिलिट्री फोर्स की आरक्षी द्वारा किए गए हमले को दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह व सतवंत सिंह के इसी तरह के गुस्से से जोड़कर भी बता रहे हैं। गौरतलब है कि दो साल पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद न केवल विद इन स्टेट खालिस्तानी एक्टिविटीज तेज हो गई थी बल्कि धर्मशाला में मौजूद हिमाचल के दूसरे विधानसभा परिसर में भी पंजाब के खालिस्तानियों द्वारा वॉल राइटिंग की गई थी। कंगना पर अटैक करने वाली सिपाही का समर्थन करने वाले सरदार की वेशभूषा में मौजूद एक शख्स का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कुलविंदर को MLA बनाने व कंगना को पहाड़ियों द्वारा जिताने की बात गुस्से में कह रहे हैं। गौरतलब है कि कंगना पर हुए हमले को मजाक बनाने की कोशिश करने वाले कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों ने किसान आंदोलन के दौरान एक शख्स को हाथ पांव काटकर बैरिकेड्स पर लटकाए जाने, पुलिस कर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने व प्रदर्शनकारियों द्वारा खालिस्तान के समर्थन में पोस्टर बैनर लगाए जाने पर भी उल्टे सरकार को दोषी साबित करने की कोशिश की थी। बहरहाल सांसद कंगना पर हुए हमले को जहां कुछ लोग अपने पॉलिटिकल व संगठनात्मक फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं हजारों सोशल मीडिया यूजर इसे पंजाब के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं।